हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कबाड़ खुलने की तारीख आ चुकी है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, तो केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल 2023 को खुलने वाले हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल 2023 को खुलने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप केदारनाथ और उसके बाद बद्रीनाथ धाम, यानी कि दो धाम यात्रा आप कैसे कर सकते हो, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आप आ सकते हो, आपका खर्चा कितना होएगा, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो केदारनाथ हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसके अलावा केदारनाथ पंच केदार में से एक है और केदारनाथ चार धाम यात्रा, यानी कि जो छोटा चार धाम यात्रा है जिसे उत्तराखंड की चार धाम यात्रा बोलते हैं, उनमें से एक धाम है। बद्रीनाथ हमारे भारत के चार धाम, कौन कौन से हैं? एक है बद्रीनाथ, एक है रामेश्वरम, एक है द्वारका और एक है जगन्नाथपुरी। इसके अलावा बद्रीनाथ छोटा चार धाम यात्रा, जो कि उत्तराखंड का चार धाम यात्रा है, उनमें भी शामिल है बद्रीनाथ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप केदारनाथ और बद्रीनाथ कैसे पहुँच सकते हो। तो सबसे पहले हम केदारनाथ यात्रा करेंगे, उसके बाद हम बद्रीनाथ यात्रा करेंगे। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है ऋषिकेश का। तो आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट ट्रेन है, तो आप ऋषिकेश आ जाइए, या तो आप हरिद्वार भी आ सकते। हरिद्वार से केदारनाथ जाने के भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, बट थोड़े महंगे मिलेंगे। ऋषिकेश से आपको ज़्यादा मिलेंगे और थोड़े सस्ते मिलेंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऋषिकेश आने का ट्राई करें और ऋषिकेश से आप अपनी केदारनाथ की यात्रा को आरम्भ करें। तो ऋषिकेश आ जाइए, ऋषिकेश नहीं आ सकते हो तो आप हरिद्वार आ जाइए, और हरिद्वार से आप बस पकड़ के या शेयरिंग में गाड़ी पकड़ के आप आ सकते हो ऋषिकेश। अगर आपके यहाँ पर डायरेक्टली ना हरिद्वार के लिए ना ऋषिकेश के लिए, तो आप आ सकते हो दिल्ली से आप बस या ट्रेन पकड़ के आ सकते हो ऋषिकेश। तो ऋषिकेश से हमको जाना है सोनप्रयाग, जिसका डिस्टेंस लगभग 210 किलोमीटर के आसपास है। आप ऋषिकेश कभी भी आओ, आपको अपनी यात्रा सोनप्रयाग के लिए दिन में ही आरंभ करनी है, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। तो अगर आप दोपहर को आते हो या रात को आते हो तो आप होटल में रुक जाइए और अर्ली मॉर्निंग जितना हो सकते 4 बजे या 5 बजे अपनी यात्रा को आरंभ कीजिए सोनप्रयाग के लिए। अब ऋषिकेश से सोनप्रयाग जाने के लिए क्या क्या ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला, सबसे सस्ता ऑप्शन है वहाँ की गवर्नमेंट की बसेस, जो कि सुबह 5 बजे के या 4 बजे के आसपास चालू हो जाती है और 10 या 11 बजे के आसपास ही रहती है, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होने के कारण 10 घंटे लग जाते हैं, 9 से 10 घंटे लग जाते हैं सोनप्रयाग पहुँचने के लिए। तो इसके लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग की बसेस आपको मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है, वहाँ पर आपको शेयरिंग में जीप मिल जाएगी, जो आपसे पर पर्सन 1000 रुपीज़ के आसपास लेगी। और तीसरा ऑप्शन है, आप वहाँ पर स्कूटी या बाइक भी रेंट कर सकते हो, और स्कूटी का चार्जेस होता है लगभग 600 रुपया पर डे और बाइक का होता है लगभग 1000 रुपया पर डे। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन बेस्ट है आपके लिए, आप वो चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप प्राइवेट कार भी बुक कर सकते हो, अगर आप फैमिली के साथ आए, ग्रुप में आए हो, अगर आपको प्राइवेटली जाना है तो आप प्राइवेट कार भी बुक कर सकते हो। उनके चार्जेस भी आपको महंगे पड़ेंगे, बट फैमिली या दोस्तों के साथ आए हो तो डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो जो शेयरिंग में जो जीप मिलता है वो ऑप्शन बेस्ट है, वो पर पर्सन 1000 रुपीज़ लेगा, बट वो बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप जीप से ही जाने वाले हो, तो आपका पर पर्सन जाएगा 1000 रुपीज़। तो बजट जो है वो मैं आपको एंडिंग में बता दूंगा कि आपका कितना बजट होगा केदारनाथ बद्रीनाथ का, अभी मैं आपको ट्रांसपोर्ट का बता देता हूँ। तो अभी हम ऋषिकेश से जीप लेंगे और जाएंगे सोनप्रयाग, उसके बाद हम सोनप्रयाग में स्टे करेंगे। स्टे आपको कहाँ पे करना है, दो ऑप्शन है, एक तो है सोनप्रयाग, बट वहाँ पर थोड़े कम होटल है। अगर आपको मिल जाता है वहाँ पे होटल तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो उससे थोड़ा सा पहले सीतापुर है, रामपुर भी, तो सीतापुर में ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, सीतापुर में बहुत सारे होटल है, तो आप होटल लीजिए, वहाँ पर स्टे कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए, इस साल चार धाम यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो ऑनलाइन वेबसाइट है चार धाम यात्रा की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता हूँ। अगले दिन आपको क्या करना है, जितना हो सकता है उतना जल्दी आपको अपनी यात्रा केदारनाथ के लिए आरंभ करना है। तो सबसे पहले सोनप्रयाग से जाना है गौरीकुंड, जो कि 5 किलोमीटर के आसपास है, और वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको शेयरिंग में जीप मिल जाती है, जो आपसे पर पर्सन 50 रुपये लेके गौरीकुंड छोड़ देती है। अब गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल यात्रा आरंभ होती है। तो अभी क्या क्या ऑप्शन है आपको वहाँ तक जाने के लिए, एक तो है पैदल यात्रा, यानी कि ट्रेक करना है आपको, लगभग 20 से 21 किलोमीटर के आसपास ट्रेक करना है आपको। दूसरा ऑप्शन है, आप वहाँ पर घोड़ा ले सकते हो। तीसरा ऑप्शन है, आप वहाँ पर पिट्ठू भी ले सकते हो। और चौथा एक ऑप्शन है, आप वहाँ पर डोली भी ले सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं वहाँ तक जाने के लिए। चल के ही जाए, घोड़े और पिट्ठू का ऑप्शन बुजुर्गों के लिए और जो कि हैंडीकैप है उन लोगों के लिए, पैदल यात्रा करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप पैदल यात्रा करके जाओगे तो आपका लगभग 8 से 10 घंटे जाएगा, और डिपेंड करता है, कोई फास्ट जाता है, कोई स्लो जाता है, तो सबका अपना अपना स्पीड रहता है। तो मैं 8 से 10 घंटा मांग लेता हूँ।
तो आप जाइए, आप शाम तक पहुंच जाओगे, तो आप शाम को दर्शन कर लीजिए। अगर आपको शाम को दर्शन नहीं कर सकते हो, आप थक चुके हो, तो आप स्टे कर लीजिए। तो स्टे कहाँ कहाँ कर सकते हो, एक तो 1.5 किलोमीटर पहले वहाँ पर टेंट मिलते हैं, आप टेंट में वहाँ पर रुक सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, आपको वहाँ पर होटल्स मिल जाएंगे, होम स्टे मतलब छोटे मोटे आपको रूम भी मिल जाएंगे वहाँ पर स्टे करने के लिए, तो वो ऑप्शन है। आपको टेंट भी मिल जाएगा, तो जो ऑप्शन आपके लिए प्रेफरेबल है, जो मिल रहा है, क्योंकि जो मजबूरी में मिलता है फिर वही यूज़ करना पड़ता है, तो आप वो कर लीजिए और वहाँ पर स्टे कर लीजिए। फिर नेक्स्ट डे सुबह उठ के अगर आपने दर्शन वापस से करना चाहते तो वापस कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए दर्शन, और वहाँ से आप सोनप्रयाग के लिए अपनी पैदल यात्रा को आरंभ कर लीजिए। तो आप वापस से आओगे तो आपका वापस से लगभग 8 घंटा जाएगा सोनप्रयाग तक आने के लिए, और फिर से आप सोनप्रयाग में या फिर सीतापुर में स्टे कर लीजिए। जब हम ऋषिकेश से सोनप्रयाग जाते हैं ना, तो रुद्रप्रयाग करके एक जगह है जहाँ पर अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, उसे रुद्रप्रयाग बोलते हैं। तो वहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जाता है केदारनाथ की तरफ, एक रास्ता जाता है बद्रीनाथ की तरफ। तो हम वहाँ से वापस से आएंगे रुद्रप्रयाग, तो वहाँ से हम शेयरिंग में गाड़ी लेंगे, बस भी मिलती है मैंने सुना है, बट अगर आपको बस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है बद्रीनाथ के लिए डायरेक्टली। अगर नहीं मिलती है तो आपको फिर से वही करना है, आपको वहाँ से शेयरिंग में गाड़ी लेना है, और गाड़ी लेके आप आ जाइए रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद वापस से आपको चेंज करना पड़ेगा शेयरिंग में गाड़ी, तो वहाँ से आपको रुद्रप्रयाग से वापस बद्रीनाथ के लिए दूसरा जीप लेना पड़ेगा। तो सोनप्रयाग से बद्रीनाथ पहुँचते पहुँचते आपको रात हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप रात को दर्शन कर लोगे क्योंकि आप थक चुके रहोगे। तो बद्रीनाथ में आप होटल बुक कर लीजिए और वहाँ पर रात को आराम कर लीजिए, सो जाइए बड़े आराम से। उसके बाद आप सुबह उठिए और बद्रीनाथ के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि बद्रीनाथ में आपको कोई पैदल यात्रा सब नहीं करनी पड़ती है, और बद्रीनाथ के दर्शन भी आपके जल्दी से हो जाते हैं, क्योंकि केदारनाथ में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बद्रीनाथ में कम होता है क्राउड, ये मैंने नोटिस किया है। तो बद्रीनाथ में आपके दर्शन जल्दी से हो जाएंगे, तो सुबह उठिए बद्रीनाथ के दर्शन कर लीजिए जितना हो सके उतना जल्दी, और आप बद्रीनाथ से ऋषिकेश के लिए अपनी यात्रा को आरंभ कर लीजिए। तो आपको फिर से वही करना है, बद्रीनाथ से आपको शेयरिंग में जीप लेना है रुद्रप्रयाग तक, और रुद्रप्रयाग से फिर आपको शेयरिंग में जीप लेना है ऋषिकेश के लिए या फिर हरिद्वार के लिए। तो इसी के साथ ऋषिकेश टू ऋषिकेश आपकी यात्रा ख़त्म हो जाती है, जिनमें आप केदारनाथ और बद्रीनाथ दो धाम के दर्शन आप कर लेते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि केदारनाथ और बद्रीनाथ यानी कि दो धाम यात्रा को कम्प्लीट करने में आपका कितना खर्चा जा सकता है। तो मैं अप्रॉक्स पर पर्सन बजट आपको बताने वाला हूँ। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप ऋषिकेश दोपहर को या शाम को पहुँचते हो, तो आप वहाँ पर स्टे करते हो रात को, तो ऋषिकेश में आपका स्टे का पर पर्सन जाएगा लगभग 800 रुपया। उसके बाद आप जाओगे ऋषिकेश से सोनप्रयाग, शेयरिंग में जीप लोगे, जीप का पर पर्सन होता है 1000 रुपया। तो ये पूरे दिन में आप 2 टाइम खाना खाओगे, तो 2 टाइम खाना खाने का आपका जाता है लगभग 300 रुपया 400 रुपया। तो मैं 400 रुपया पकड़ लेता हूँ, क्योंकि ट्रैवल करते टाइम आपको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लाइट खाना चाहिए, तो मैं 300 रुपये ही पकड़ लेता हूँ। आप सोनप्रयाग या फिर सीतापुर में स्टे करते हो तो वहाँ पर आपका पर पर्सन 1000 रुपये जाता है, क्योंकि वहाँ पे होटल के प्राइस बहुत बड़े रहते हैं, सीज़न वाइज इनका सीज़न रहता है तो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो 1000 रुपये मैं पकड़ लेता हूँ पर पर्सन। फिर दूसरे दिन आपको क्या करना है, आपको जाना है सोनप्रयाग से गोरीकुंड बाय शेयरिंग जीप, इसका 50 रुपये जाएगा। उसके बाद आपको अपनी पैदल यात्रा को आरंभ करना है। मैं जो बजट बता रहा हूँ पैदल यात्रा के हिसाब से बता रहा हूँ, तो पैदल यात्रा में आपका पैसा नहीं जाएगा, आपका सिर्फ खाने में जाएगा। जिस तरीके से ट्रैवल में कम खाना चाहिए, लाइट खाना चाहिए, उसी तरह ट्रेकिंग के टाइम भी लाइट खाना चाहिए। तो मैं 300-400 रुपये पकड़ लेता हूँ। उसके बाद आप पहुँच जाओगे केदारनाथ और आप वहाँ पर स्टे करोगे, तो वहाँ पर भी आपका स्टे का 1000 रुपये जाएगा, क्योंकि सोनप्रयाग में जब 1000 है तो ऊपर तो आपको 1000 रुपया तो रहेगा ही। तो इसी तरह आपका डे 2 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप डे 3 को सुबह उठोगे, दर्शन करोगे और अपनी यात्रा को आराम करोगे वापस से सोनप्रयाग के लिए, तो फिर से आपका खर्चा जाएगा लगभग 400 से 400 रुपये जाएगा खाने के लिए। अगर आप कुछ कोई चीज़ खरीदते हो या कुछ और करते हो तो आपका ज़्यादा पैसा जा सकता है, बट नॉर्मली आप खाने का पकड़ लीजिए तो 400 रुपये आपका जाएगा। और फिर आप सोनप्रयाग या सीतापुर में स्टे करते हो जिसका आपका 1000 रुपये जाता है। तो इसी तरह डे 3 आपका ख़त्म। उसके बाद डे 4 को आप सुबह उठोगे और जाओगे बद्रीनाथ के लिए, सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए जाओगे। तो सोनप्रयाग से आप शेयरिंग में जीप पकड़ोगे और जाओगे रुद्रप्रयाग, जिसका आपका होगा 500-600 रुपये, मैं 600 रुपये पकड़ लेता हूँ। और उसके बाद आप जाओगे रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ, जिसका होता है पर पर्सन 1000 रुपये। और इसी दौरान आप खाना खाओगे, क्योंकि आपको लाइट खाना खाना है, तो मैं 300 रुपये पकड़ लेता हूँ फिर से। और रात को आप बद्रीनाथ में स्टे करोगे, जिसका खर्चा होगा लगभग 1000 रुपये पर पर्सन। उसके बाद डे 5 को आप सुबह उठोगे और दर्शन करोगे आप बद्रीनाथ धाम की, और वहाँ से फिर अपनी यात्रा आरंभ करोगे ऋषिकेश के लिए। तो आपका कितना खर्चा होएगा लगभग, फिर से आपका वही होएगा 1000 रुपया, और वहाँ से आपका लगभग 600 रुपया, यानी कि 1500 रुपया आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फिर से 1500 या 2000 आपका जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपका 1500 में पकड़ लेता हूँ, और खाने का आपका फिर से जाएगा 400 रुपये के आसपास।
तो इसी तरह आपका ऋषिकेश टू ऋषिकेश आपका 5 दिन में यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। तो डे वन वाइज आपका कितना कॉस्ट जाएगा केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा को करने के लिए, वो मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा देता हूँ। डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर और डे फाइव, तो ये आपका बजट है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि लगभग आपका 10,000 रुपये खर्चा हो रहा है। मैंने जो बताया एकदम अच्छे से बताया, थोड़ा भी आपको तकलीफ़ नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको और बजट में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस से ट्रैवल करना पड़ेगा। मोस्टली बस का प्राइस बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू शेयरिंग जीप। और दूसरा ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको सस्ते में सस्ता होटल या टेंट में आपको स्टे करना पड़ेगा। मैंने जो बजट बताया वो फैमिली के हिसाब से बताया, क्योंकि आप फैमिली के साथ जाते हो तो आपके मम्मी पापा रहते हैं, कुछ पुराने बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से मैंने बताया है ज़्यादा करके। तो ये था केदारनाथ बद्रीनाथ यानी कि दो धाम करने का कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और बजट के साथ। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अभी चलता हूँ, जल्द मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।